So now let's understand the concept of a constructor overloading. So overloading a meaning ये होता है that of same function name with a different parameters. But constructor overloading उसकी definition थोड़ी change हो जाती है that it is basically a technique in Java through which a class can have any number of constructor which are differing parameters. Means a single class can have n number of constructor but they will differ in parameters. So let's understand it with the help of an example. So मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम से. Here I am going to make a use of three variables. मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई डी. दिस इज गोइंग टू बी द आई डी ऑफ माई एम्प्लॉय. स्ट्रिंग नेम दिस इज गोइंग टू द नेम ऑफ माई एम्प्लॉय और मैंने डबल में उसकी ले ली सैलरी. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. सो मैंने बताया दैट अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर बट दे विल डिफर इन पैरामीटर्स. सो दिस इज माई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय एंड आई एम मेकिंग इट एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और यू कैन मेक इट एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज वेल. सो लेट्स से आई एम मेकिंग इट एज अ पैरामीटराइज. सो मैं इसके में दो पैरामीटर यहाँ पर पास करता हूँ. एक मैंने ले लिया इंटीजर आई और एक मैंने ले लिया स्ट्रिंग. सो व्हेन द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन जब मैं इसे वैल्यू भेजूंगा तो मैं इसको दो वैल्यू भेजूंगा एक इंटीजर टाइप की और एक स्ट्रिंग एन की. और मैं चाहता हूँ लेट्स से जो मेरे आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी आईडी में और जो मेरे नेम की वैल्यू एन की वैल्यू आएगी वो मेरे चली जाएगी इस नेम. सो मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन गया. Now I am going to make a use of another constructor. Employee, एक और मैंने constructor बनाया but this time I am making it as a parameterized constructor which will going to have three parameters. Integer I, string n or double. So this constructor is having two parameters and this is having three parameters. So मतलब मेरे जो भी डी में आएगी वो मैं भेज दूंगा अपने सैलरी को. हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ मेथड. सो मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वाइड डिस्प्ले. इसके अंदर एक लाइन लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. सबसे पहले मैंने सॉरी आईडी ली हुई है आईडी दिखा देगा ये. देन इट विल गोइंग टू शो मी द नेम कर रहा था कंकैटिनेट किससे नेम के साथ. देन यहाँ पर दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ फॉर सैलरी वाले वेरिएबल को. सो अंडरस्टूड द व्हाट द डिस्प्ले मैसेज इज डूइंग. सो डिस्प्ले मैसेज क्या कर रहा है एक लाइन मेरे को दिखा देगा आईडी नेम एंड सैलरी. सो नाउ स्विच बैक टू वन मेन. हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. So what is the name of my class? Employee. So यहाँ पर मैं हूँ employee. obj is equal to new. अब based on the parameters which I am going to pass, मेरा compiler identify कर लेगा कि which compiler he has to मतलब which constructor he has to call. अगर मैंने यहाँ पर pass करे दो parameter तो मेरा compiler किसके पास jump करेगा इस वाले constructor के पास. जब मैं करूँगा तीन parameter तो मेरा कंस्ट्रक्टर किसके पास जंप मतलब कंपाइलर किसके पास जंप करेगा इस वाले कंस्ट्रक्टर के पास. सो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू पास टू वैल्यूज. मैंने एक आईडी दे दी 101 और एक नेम दे दिया एम्प्लॉय का. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय डिस्प्ले मेथड obj डॉट डिस्प्ले. सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. आईडी आ गई 101
नेम आ गया ये, सैलरी आ गई 0.0, क्योंकि इसको अभी सैलरी इस वाले करंट सिनेरियो से नहीं मिली। और मैंने बताया था वेरिएबल इज अनइनिशियलाइज्ड, वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता है, तो डबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है 0.0। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर नेम भी पास नहीं करता तो क्या आपकी वैल्यू नल। तो मैंने वेरिएबल से कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज टेकिंग 3 पैरामीटर्स। सो नेक्स्ट मैंने लिखा अपनी क्लास का नेम obj1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। नाउ आई हैव टू पास 3 पैरामीटर्स, मैंने यहाँ पर पास कर दिया। लेट्स से इस टाइम मैं इसकी सैलरी स्पेसिफाई करता हूँ, लेट्स से 33.09। सो करता हूँ सेव और एग्जीक्यूट। अभी नहीं कॉल हुआ क्योंकि मेरे को ये मेथड अगेन कॉल करना पड़ेगा फॉर obj1। सो obj1.display सेव एंड लेट्स एग्जीक्यूट। सैलरी 33.0। So this is the concept of my constructor overloading.